हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ पौधे शेयर करने वाली हूं जिसमें कि आपको 12 महीने 365 दिन आपको फ्लावरिंग मिलेंगे, यानी पूरे के पूरे साल आपको उन पौधों में फ्लावरिंग देखने को मिल जाएंगी। कभी भी वो पौधा फूलों से खाली नहीं होता है और इन पौधों को लगा के हमेशा आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकेंगे। मैक्सिमम ये पौधे अगर आप परचेस करना चाहेंगे तो आपको इसी वक्त नर्सरी में दिखने को मिलेंगे, क्योंकि ये परमानेंट पौधे होते हैं और परमानेंट पौधे इसी टाइम आपको नर्सरी में दिखने को मिल जाएंगे। छोटी से छोटी नर्सरी में भी आपको ये पौधे इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से पौधे हम लगा सकते हैं जिससे कि हम पूरे पूरे साल फूल पा सकें, यानी साल के 12 महीने 365 दिन हमारे गार्डन में इन पौधों से फूल हमें मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहला पौधा ये है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है पिंक टिकोमा। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है क्योंकि मैं कई सालों से ये पौधे ग्रो कर रही हूँ। ये वाला पौधा मेरे गार्डन में लगभग 3 से 4 साल हो चुका है और मैंने देखा है हमेशा इसमें फूल हमेशा ही बना हुआ रहता है, हमेशा ये पौधा फूलों से लदा हुआ ही रहता है। थोड़ी सी देखरेख, थोड़ी सी केयर और ये पौधा आपके गार्डन में हमेशा फूल इसी तरह देते रहेगा। पूरे साल रहने वाला परमानेंट पौधा है, इसी तरीके से भव भर के फ्लावरिंग होती है। एक क्लाइंबिंग प्लांट है जिसे कि आप कटिंग प्रूनिंग करके बूज की तरह रख सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स हमारा सबसे पसंदीदा पौधा जो कि है बोगनविला। बोगनविला पूरे साल फ्लावरिंग करता है, रुक रुक के इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, यानी फूल आते जाते रहते हैं, तो पूरे साल इसमें आपको फूल देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी सी देखरेख और थोड़ी सी केयर, यानी जैसे ही इसके फूल ख़त्म हो जाए थोड़ी सी इसकी हल्की पुल्की प्रूनिंग कर दीजिए और थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइजर ऐड कर दीजिए, फिर बहुत ही जल्दी इसमें नेक्स्ट फ्लावरिंग होने लगती है। तो इस तरीके से थोड़ी सी देखरेख और बोगनविला में हम पूरे पूरे साल फूल ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जब से बाहर का मौसम शुरू हुआ है मेरे गार्डन में बोगनविला में लगातार बेसिस पे फूल खिल रहे हैं। तीसरे नंबर में जो पौधा है वो है फ्रेंड्स हिबिस्कस। हिबिस्कस की ये वाली वेराइटी आप देख सकते हैं, ये देसी वेराइटी है जो कि सफ़ेद रंग का है। मेरे पास देसी वेराइटी में ऑरेंज कलर का और रेड कलर का भी है। सब में मैंने देखा है कि पूरे पूरे साल फ्लावरिंग होती है। ये व्हाइट वाला में तो लगभग पूरे साल फ्लावरिंग हुई। अब की मैंने ठंड में भी देखा इसमें अच्छी फ्लावरिंग हुई। फूलों की साइज़ थोड़ी छोटी हो जाती लेकिन फ्लावरिंग तब भी होती। तो देसी वाले हिबिस्कस को आप लगा सकते हैं जिससे कि आप पूरे साल फूल ले सके। हाइब्रिड वाले में गर्मियों के मौसम में फूल थोड़े कम हो जाते हैं लेकिन उसमें भी फूल आते हैं, बट अगर पूरे साल फूल लेना है तो आपको ये देसी वाले हिबिस्कस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये है बुश क्लॉग वाइन। ये अभी शाम का टाइम है इसलिए सारे फूल मुरझा चुके हैं। आजकल धूप भी बहुत तेज हो रही है, बट ये पौधा भी आप लगा सकते हैं। इसमें भी पूरे पूरे साल फ्लावरिंग होती है और इसी तरीके से भर भर के फ्लावरिंग होती है। हर रोज इसमें मैं देखती हूँ मेरे पौधे में फूल से लदा हुआ रहता है ये पौधा। तो इसे भी आप लगा सकते हैं, ये क्लाइंबिंग प्लांट है, कटिंग से लगा सकते हैं। तो आप इस पौधे को ले सकते हैं इस टाइम। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है कॉस्मोस। कॉस्मोस के पौधे को भी फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं। ये भी पूरे पूरे साल फ्लावरिंग करता है, एक ही पौधा नहीं रहता है, आपको लगातार लगाते रहना पड़ेगा, लेकिन फूल लगातार पूरे साल आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके गार्डन में एक बार आने के बाद ये पौधा हमेशा ही आपके गार्डन में बना रहेगा, तो इस पौधे को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स, ये विंका सदाबहार का। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे कलर वाले छोटे छोटे पौधे, ये है हाइब्रिड वाले और ये है देसी वाले। तो देसी वाला में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। हाइब्रिड वाले के पौधे साइज में थोड़े छोटे होते हैं बट बारिश के मौसम में काफ़ी बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कई बार तो पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन जो देसी वाला विंका सदाबहार का पौधा है ये पूरे साल बना रहता है, पूरे साल फ्लावरिंग करता है और अच्छी खासी क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। विंटर सीजन में फूलों की साइज़ थोड़ी छोटी हो जाती है बट फूल तब भी आते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स गॉम्फ्रिनो का। गॉम्फ्रिनो के पौधे को भी आप लगा सकते हैं, इसे भी आप पूरे साल फूल ले सकते हैं। एक ही पौधा पूरे साल नहीं रहता, लगभग 5 से 6 महीने एक पौधे रहते हैं। जैसे ही पौधा मुरझाने लगे तो आप समझ जाइए कि ये पौधा अब सर्वाइव नहीं करेगा। इसके फूल सूखने लग जाए तो इसके फूल आप सूखे हुए फूल को मिट्टी में डाल दीजिए और ये पौधा डेली लगातार बेसिस पे आपके गार्डन में बनते रहेगा और फ्लावरिंग करते रहेगा। अगला पौधा जो पूरे साल हमको फ्लावरिंग दे सकता है वो है फ्रेंड्स ये गैलेडिया का। गैलेडिया का पौधा पूरे साल फ्लावरिंग करता है, पूरे साल इसमें फूल देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही फूल इसके सूख जाते हैं, इसके सीड्स बनते हैं, उसे आप मिट्टी में लगातार डालते रहिए, आपके गार्डन में हमेशा ये पौधा बना रहेगा और हमेशा फूल देते रहेगा। अगला पौधा है फ्रेंड्स हिबिस्कस की ये वाली वेराइटी जो कि है लांठन हिबिस्कस। ये वाला पौधा भी काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग करता है, पूरे पूरे साल इसमें फूल आते रहते हैं। थोड़ी शेडी एरिया में चलने वाला पौधा है, यानी हिबिस्कस के बाकी पौधे जैसे कि हम धूप में रखते हैं, इस पौधे को आप शेड में रख सकते हैं। ऐसी जगह जहां 2 से 3 घंटे की धूप इस पौधे के लिए सफिशियंट है। मैंने खुद इसे अपने शेड के नीचे लगा के रखा है
और काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग इसमें आप देख सकते हैं हो रही है और रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं जिससे कि पूरे साल आप फूल पा सकें। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स यूफोर्बिया मिली, ये भी एक ऐसा पौधा जिससे कि आप पूरे साल फूल ले सकते हैं। कैक्टस वेराइटी का ही एक पौधा है जो कि कई सारी वेराइटी कई सारे रंगों में आता है, बड़े फूल छोटे फूल में भी आता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं, कटिंग से बड़े आसानी से लग जाता है और पूरे पूरे साल आप इससे फूल ले सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स क्रॉसेंड्रा का। क्रॉसेंड्रा भी एक सेट में चलने वाला, एक थोड़ी कम धूप में चलने वाला पौधा है जिसमें पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है, थोड़ी कम कभी थोड़ी ज़्यादा ऐसे कुछ इसमें फ्लावरिंग होती रहती है लगभग पूरे साल। अभी आप देख सकते हैं इसमें फूल आना स्टार्ट हो गया है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था मेरे ये पौधा पेस्ट अटैक हो चुका था जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ख़राब होने लगा था। अब आप देख सकते हैं इस पौधे की कंडीशन काफ़ी सही हो गई है और फूल भी अच्छे आने लगे, तो इस पौधे को लगा सकते हैं, ये भी पूरे साल फ्लावरिंग करता है। अगला पौधा फ्रेंड्स आप पीस लिली का लगा सकते हैं। पीस लिली भी बहुत तेज़ गर्मी जब होने लगती है, बहुत तेज़ धूप होने लगती है, उस टाइम इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। अदरवाइज़ मैंने देखा है इसमें हर वक्त फूल आते रहते हैं, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है, शेड में चलने वाला पौधा है और पूरे साल इसमें लगभग फ्लावरिंग होती रहती है। बाहर के मौसम से लेके जब तक गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हाई तेज़ नहीं हो जाती, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो जाता, तब तक इसमें फ्लावरिंग थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में होती है। उसके बाद फ्लावरिंग इसकी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फूल आपको तब भी देखने को मिलेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे इसमें काफ़ी अच्छे से बर्ड्स आ रहे हैं और कुछ ही दिनों में ये जो खिल रहे हैं ये पूरी तरीके से खिल जाएंगे। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स अपराजिता का। अपराजिता का पौधा भी पूरे साल फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। विंटर सीजन में इसके फूल जो है थोड़े कम हो जाते हैं और फूल के साइज भी थोड़े छोटे हो जाते हैं। ये मेरे लास्ट ईयर का ही पौधा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ रखी है इस पौधे ने और काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग भी हो रही है। मेरे पास कई रंगों के फ्लावर एक ही साथ एक ही पॉट में मैंने लगा के रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर, ये वाला कलर आप ये भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे इसमें वाइट कलर का भी है और लाइट पिंक कलर का भी है। काफ़ी सारे कलर मैंने एक ही बड़ा सा पॉट है मेरे ये 18 इंच का, इसमें मैंने लगा दिया और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये पौधा लास्ट ईयर से मेरे पास चल रहा है और काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग कर रहा है। रंगून क्रीपर को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। विंटर के सिर्फ 2 महीने यानी दिसंबर और जनवरी, ये 2 मंथ इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही डॉर्मेंसी से बाहर आता है यानी बाहर का मौसम शुरू होता है, इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे बर्ड्स भी आने लगे हैं, जबकि मेरे ये छोटे से पॉट में लगा हुआ, अगर इसे ग्राउंड में लगाते हैं देन लगभग पूरे साल आपको इसमें फूल देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स अडेनियम का। अडेनियम कहने को तो हम कहते हैं कि विंटर सीजन में ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है, बट मेरा ये प्लांट विंटर सीजन में भी काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग करते रहा। लगातार बेसिस पे इसमें फ्लावरिंग हो रही है, बर्ड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं छोटा सा पौधा जिसमें बर्ड्स आ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर फूल खिल रहे हैं। इस तरीके से लगातार बेसिस पे मेरे इसमें फूल खिल रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि अडेनियम का पौधा भी पूरे साल फ्लावरिंग करता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स बेबी सन रोज़। बेबी सन रोज़ भी एक काफ़ी अच्छा सा फ्लावरिंग करने वाला हैंगिंग बास्केट में लगने वाला पौधा है। इस तरीके से छोटे छोटे रेड कलर के इसमें फूल आते हैं। विंटर सीजन में इसकी ग्रोथ थोड़ी थम जाती है, पत्तियां कुछ हद तक बर्न भी होती हैं, जलती हैं वो कोहरे की वजह से। अगर आप इसे शिफ्ट कर लें इनडोर और कोहरे से बचा सके देन ये पौधा उस टाइम भी ख़राब नहीं होता, अच्छे से चल जाता है। वैसे ही मौसम सही होता है वैसे इसमें फ्लावरिंग होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है, आप देख सकते हैं। और ये पौधा जैसे जैसे ग्रोथ लेता है नीचे की तरफ लटकता है और ढेरों फूल इस तरीके से खिलते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स कैना लिली का। कैना लिली के पौधे में भी फ्रेंड्स आप लगभग पूरे साल फूल पा सकते हैं। ये पौधा विंटर में सिर्फ 2 मंथ जो है विंटर के दिसंबर और जनवरी, ये 2 मंथ फ्लावरिंग नहीं करता है क्योंकि उस वक्त ये डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है। उसके बाद इसमें जो फ्लावरिंग शुरू होती है ये लंबा फ्लावरिंग चलते रहता है लगातार, जब तक फिर से ठंड नहीं आ जाती, यानी बहुत लंबा पीरियड ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। तो कैना लिली में बहुत सारी वेराइटी आती है, बहुत सारा कलर आता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से लंबा स्टॉक सा निकलता है और ढेर सारे बर्ड्स एक साथ बनते हैं और इस तरीके से फूल खिलते रहते हैं। मेरे पास ये येलो कलर का है, इसमें काफ़ी सारे कलर आपको दिखने को मिल जाएंगे। कुछ आजकल हाइब्रिड भी आने लगे हैं जो कि छोटे हाइट के भी होते हैं, तो आप इन सभी पौधों को फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं जिससे कि पूरे साल आप फ्लावरिंग पा सकते हैं लगभग पूरे साल। कुछ पौधे विंटर में थोड़े फ्लावरिंग कम करेंगे लेकिन फिर भी पौधे बने रहेंगे और पूरे साल आपके गार्डन में खूबसूरत फूलों से आपका गार्डन को खूबसूरत बनाए रखेंगे। तो इन पौधों को लगा के फ्रेंड्स पूरे साल के 365 दिन 12 महीने
फूल पा सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग से जानकारी के साथ। ओके देन बाय।